हेलो गाइज, हिंदी का पैसेज देखिए। 23 जनवरी 2023 का देखिए आप पैसेज। निर्देश दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पानी का चंचल रूप है नदी, यह वह जीवन रेखा है जो अपने कछार में बसे लोगों को जीवनदायी जल प्रदान करती है, जिसे भूमि पर केवल वर्षा के जल से खेती होती है उसे देव मात्रिक, और जो जमीन केवल वर्षा के भरोसे न रहकर नदी के पानी से सिंचित होती है उसे नदी मात्रिक कहा गया है। उन दिनों नदी का पानी मछलियों से लबालब रहता था, पीने के लिए पानी, खाने के लिए मछली और खेती के लिए वह उपजाऊ मिट्टी, जैसे नदी बाढ़ के समय बहाकर लाती है। पहले के लोगों के लिए इससे बड़ा वरदान भला और क्या हो सकता था। नदी के कारण कृषि संभव हुई है। जो शिकारी था वह किसान बन गया। उसे शिकार की भाग दौड़ से मुक्ति मिली। वह एक जगह घर बसाकर कला, धर्म, अध्यात्म, विज्ञान और साहित्य की ओर अग्रसर हो सका। मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आया। क्वेश्चन एक, पानी का चंचल रूप है नदी वाक्य का आशय है। नदी का पानी स्वच्छ होता है, नदी का पानी उफान पर रहता है, नदी का पानी निरंतर गतिमान रहता है, नदी का पानी शरारती होता है, नदी का पानी निरंतर गतिमान रहता है। आंसर सी। क्वेश्चन दो, देवमात्रिक खेती कहते हैं जब खेती को नहर के जल से सींचा जाता है, जब खेतों को तालाब के जल से खींचा जाता है, खेतों के केवल वर्षा के जल से सींचा जाता है, खेतों को नदी जल से सींचा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खेतों को केवल वर्षा के जल से खींचा जाता है, उसे देवमात्रिक खेती कहती है। क्वेश्चन तीन, मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन कब आया? जब मनुष्य ने शिकार करना सीख लिया था, जब मनुष्य ने खेती करना सीख लिया था, जब मनुष्य ने नदियों से मछलियां पकड़ना सीख लिया था, जब मनुष्य को अन्न की पहचान हो गई। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जब मनुष्य ने नदियों से मछली पकड़ना सीख लिया था, जब मनुष्य ने खेती करना सीख लिया था। ऑप्शन बी है इसका आंसर। क्वेश्चन चार, नदी को जीवन रेखा कहा गया है क्योंकि नदी मनुष्य की आयु में वृद्धि करती है, क्योंकि नदी एक रेखा की भांति बहती है, क्योंकि नदी का जल नदी के आसपास रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए आप, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वारी, तटनी, सलीला, सरिता। इसका आंसर होगा वारी। वारी वारी जो है ये पानी का पर्यायवाची है। क्वेश्चन छह, समूह से भिन्न शब्द है सिंचित, सिलना, सींचना, सीखना। इसका आंसर होगा सिंचित, ऑप्शन ए। क्वेश्चन सात, नदी तट पर बसने का सबसे बड़ा आकर्षण था खेती के लिए उपजाऊ भूमि, नदी जल का सिंचाई के लिए उपयोग, नदी किनारे के रमणीक दृश्य। ऑप्शन डी, नदी में मछलियों की बहुलता से उपलब्धि। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन आठ, रिक्त स्थान के कारण कृषि संभव हुई है, जल, तालाब, सरोवर। ऑप्शन डी, नदी। इसका आंसर होगा नदी। क्वेश्चन नौ, 12 महीनों में रेखांकित शब्द है परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संख्यावाचक विशेषण। निर्देश,
दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, आप ध्यान से अच्छे से पैसेज को देखिए। अगर आपने ध्यान से पैसेज को देख लिया तो आप आंसर भी निकाल पाओगे। अब देखो, यह धरती कितना देती है, धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में निस्वार्थ लोभ बस पैसे बेकार, रत्न पर सुवीनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। अब समझ सका हूँ इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुन हली फसले, मानवता की जीवन शर्म से हसे दिशाए, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। क्वेश्चन 10, रत्न पर्श्विनी है वसुधा से क्या तात्पर्य? धरती में केवल रत्न ही रत्न है, धरती रत्नों की खान है, धरती रत्नों को पैदा करते, धरती में बहुत सारे खनिज पदार्थ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे का निर्थार्थ है? अच्छे बीज बोने होंगे, अच्छी फसल पैदा करनी होगी, सद्भाव से रहना होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12, हमें मानव मात्र से प्रेम करना चाहिए, यह भाव कविता के किस पद से प्रेषित हो रहा है? सच्ची ममता से, सच्ची समता से, जन की क्षमता से, मानव ममता से, धरती गाथा से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12, हमें मानव मात्र से प्रेम करना चाहिए, यह भाव कविता के किस पद से प्रेषित हो रहा है? सच्ची समता से, जन की क्षमता से, मानव ममता से, धरती माता से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मानव ममता से। क्वेश्चन 13, समाज में किस गुण की उपस्थिति को महत्व नहीं दिया गया है? समता, ममता, मानवता, वसुधा। ऑप्शन डी, वसुधा। क्वेश्चन 14, धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अवनी, धरा, मोदिनी, मही। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोदिनी। क्वेश्चन 15, विशेषण विशेष्य का उदाहरण है, जीवन शर्म, धरती ममता, सुनहली फसलें, मानव ममता। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुनहली फसलें। क्वेश्चन 16, नीचे कॉलम ए में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भाषा की कुछ गतिविधियां दी गई है, उनका संबंधित भाषा शिक्षण सिद्धांत से मिलान करें और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भूमिका निर्वहन का होगा गद्यात्मक अधिगम, और सारांशिकरण का होगा रचनावादी उपागम, और निर्देशित कथा लेखन का होगा सहारा देना, और भाषा पत्रिका का होगा तरह तरह सामग्री से परिचय। अब देखिए, भूमिका ए का कौन सा है? ए का सी। अब देखिए, ए का सी कौन सा है? ए का सी, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम रचनावादी उपागम का उदाहरण है? परियोजना कार्य, प्रतिमानों का अभ्यास, व्याकरण अनुवाद, आगमनात्मक विधि। आंसर होगा ऑप्शन ए, परियोजना कार्य। एक्सप्लेनेशन, परियोजना कार्य भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम का उदाहरण है, रचनावादी उपागम के अंतर्गत जिज्ञासा आधारित अधिगम शामिल है, यह रचनात्मक दृष्टिकोण सीखने के लिए महत्वपूर्ण सोच विकसित करता है। क्वेश्चन 18, भाषा अधिगम से संबंधित 4 व्यवस्थाएं दी गई है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रकृतिवाद के तर्कों से संबंधित है,
ऑप्शन ए भाषा अधिगम में प्रकृति की कोई भूमिका नहीं है, ऑप्शन बी बच्चे भाषा अधिगम उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, ऑप्शन सी भाषा प्रतिमानों के अभ्यास से अभ्यास का पुनर्वनन मिलता है, ऑप्शन डी बच्चे अपने अभिभावकों से भाषा सीखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चे भाषा अधिगम उपकरण के साथ जन्म लेते हैं। क्वेश्चन 19 नीचे दी गई गतिविधि पढ़े और पहचान करे कि यह स्वर्ण के किस उप कौशल का विकास कर रही है। अध्यापिका कविता पढ़ती है और विद्यार्थियों से कहती है कि कविता में उस विचार बिंदु की पहचान करें जो बाकी सभी विचारों से समर्थित है। ऑप्शन ए समर्थित वर्णनों के लिए बारीकी से पठन, ऑप्शन बी मुख्य विचार बिंदु के लिए सारांशीकरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20 नीचे दिए गए परीक्षणों को पढ़े और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो इसके उद्देश्य की पहचान करे। ऑप्शन नंबर एक कहानी का मुख्य नायक कौन है, नंबर दो लेखक हमें अपनी कहानी क्यों सुना रहा है, कहानी के वर्णन के आधार पर मुख्य नायक का मौखिक रूप से शब्द चित्र प्रस्तुत करे, नंबर चार कोई दो कारण बताए कि यह मुख्य व्यक्ति कहानी का मुख्य नायक क्यों है। ऑप्शन ए उद्देश्य की पहचान, ऑप्शन बी पाठ्य सामग्री से केवल एक ही सूचना प्राप्त करना, ऑप्शन सी पाठ्य सामग्री से बहुत सी सूचनाएं प्राप्त करना, ऑप्शन डी निष्कर्ष निकालना। देखिए आप कहानी का मुख्य नायक कौन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पाठ्य सामग्री में केवल एक ही सूचना प्राप्त करना। एक का बी, अब देखो एक का बी कौन से में, एक का बी पहले वाले भी है, देखो एक का बी और एक के में ए, एक के में डी, एक के में सी, तो इसके वाले में ऑप्शन ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कहानी का मुख्य नायक कौन है, पाठ्य सामग्री में से केवल एक ही सूचना प्राप्त करना, नंबर दो लेखक हमें अपनी कहानी क्या सुना रहा है, उद्देश्य की पहचान, कहानी के वर्णन की सूचना प्राप्त करना, पाठ्य सामग्री में बहुत सी सूचनाएं प्राप्त करना, नंबर चार कोई दो कारण बताए कि अमुक व्यक्ति कहानी का मुख्य नायक क्यों है, निष्कर्ष निकालना। क्वेश्चन 21 भाषा अधिगम में सही व्याकरणिक रूप की पहचान करने के लिए विस्तृत गहन पठन किस प्रकार से मदद करता है। ऑप्शन ए यह चेतन रूप में सही तरीके से अंग्रेजी सीखने में मदद करता है, ऑप्शन बी यह शब्द भंडार और सही संरचनाओं के लिए पर्याप्त अवसर देता है, यह पाठकों को भाषा सही करने के लिए व्यवस्थित अवसर देता है, यह पाठकों को अपनी सही तरीके से क्रियाशील शब्दावली विकसित करने में मदद करता है। इसका आंसर होगा बी यह शब्द भंडार और सही संरचनाओं के लिए पर्याप्त अवसर देता है। क्वेश्चन 22 पठन बोध प्रश्नों के लिए शिक्षार्थी अपने मस्तिष्क में मातृभाषा में अनुवाद करता है, भाषा के सौंदर्य की सराहना करता है, पाठ्य सामग्री में से अर्थ निर्माण करते हैं, ऑप्शन डी शब्द कोश में से अर्थ खोजते और पढ़ते हैं। आंसर होगा सी पाठ्य सामग्री में से अर्थ निर्माण करते हैं। क्वेश्चन 23 शिक्षा की मिश्रित व्यवस्था में भाषा अध्यापक को निम्नलिखित कौशल समूह की आवश्यकता होगी, सर्वाधिक उपयुक्त कौशल समूह का चयन करें। ऑप्शन ए कंप्यूटर कौशल शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान विषय का ज्ञान, ऑप्शन बी विषय का ज्ञान शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान डिजिटल दक्षता, ऑप्शन सी डिजिटल दक्षता ऑनलाइन विषय वस्तु का प्रयोग जूम मीटिंग, ऑप्शन डी ऑनलाइन विषय वस्तु को जानना डिजिटल विशेषज्ञता सही इंटरनेट व्यवस्था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विषय का ज्ञान शिक्षार्थी शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान डिजिटल दक्षता। शिक्षा की मिश्रित व्यवस्था में भाषा अध्यापक को निम्नलिखित कौशल समूह की आवश्यकता होगी, सर्वाधिक उपयुक्त कौशल समूह है विषय का ज्ञान शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान डिजिटल दक्षता। क्वेश्चन 24 वृत्ताकार पाठ्यचर्या जिस पर सभी भारतीय भाषाओं की
पाठ्य पुस्तकें आधारित है का क्या लाभ है? प्रश्न के उत्तर हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विचार एवं अवधारणाएं है। ऑप्शन ए अध्यापन की सुगमता की दृष्टि से सरल से जटिल की ओर करें। ऑप्शन बी क्रियान्वयन की सुगमता की दृष्टि से विद्यालय सत्र के अनुसार करें। ऑप्शन सी स्तरवार और सतत लेकिन आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन के लिए प्रावधान। पुनरावलोकन के लिए प्रावधान ऑप्शन डी उचित आकलन के लिए परीक्षा पैटर्न के अनुसार क्रम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्तरवार और सतत लेकिन आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन के लिए प्रावधान। वृत्ताकार पाठ्यचर्या जिस पर सभी भारतीय भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें आधारित है का क्या लाभ है? प्रश्न के उत्तर हेतु स्तरवार और सतत लेकिन आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन के लिए प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त विचार एवं अवधारणाएं हैं। क्वेश्चन 25 उस विकल्प का चयन करें जो अधिगम और अर्जन के बीच के अंतर को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से पूरा करता हो। अधिगम है रिक्ति स्थान अर्जन, पठन लेखन रिक्ति स्थान श्रवण वाचन। ऑप्शन बी एक व्यवस्थित प्रक्रिया रिक्त स्थान व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन सी सोच विचार पर निर्देश आत्मक अधिगम है स्वाभाविक प्राकृतिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सोच विचार कर निर्देश आत्मक रिक्त स्थान स्वाभाविक प्रकृति अधिगम है सोच विचार कर निर्देशात्मक अर्जन है स्वाभाविक प्रकृति जो अधिगम और अर्जन के बीच के अंतर का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। क्वेश्चन 26 अध्यापिका विद्यार्थियों को संरचनात्मक संकेत जैसे शब्द भंडार कल्पना साहित्यिक तत्व आदि का इस्तेमाल करते हुए कविता के मनोदशा के बारे में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थी किन कौशलों का प्रयोग करे? विस्तृत वर्णों के लिए बारीकी से पठन। ऑप्शन बी मुख्य विचार बिंदु के लिए सरसरी तौर पर पठन। ऑप्शन सी निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन डी सार्वभौमिक बोध। केवल ए सी डी। ऑप्शन बी केवल ए बी सी। ऑप्शन सी केवल ए बी डी। ऑप्शन डी केवल बी सी डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केवल ए बी डी। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को संरचनात्मक संकेत जैसे शब्द भंडार कल्पना साहित्यिक तत्व आदि का इस्तेमाल करते हुए कविता के मनोदशा के बारे में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थी विस्तृत वर्णनों के लिए बारीकी से पठन, मुख्य विचार बिंदु के लिए सरसरी तौर पर पठन एवं सार्वभौमिक बोध कौशलों का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन 27 निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में द्वितीय भाषा अधिगम कौशल का भाग नहीं है? ऑप्शन ए प्रश्न पूछने उत्तर देने की योग्यता। ऑप्शन बी अभिव्यक्ति पूर्ण भाव भाव और तरह तरह के शब्दों का प्रयोग। ऑप्शन सी शब्दों और वाक्यों में अभिव्यक्त करना और कल्पना करना। ऑप्शन डी मातृभाषा में अनुवाद करना और मातृभाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी निम्नलिखित में से मातृभाषा में अनुवाद करना और मातृभाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना विद्यालय में द्वितीय भाषा अधिगम कौशल का भाग नहीं है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प विद्यालय में द्वितीय भाषा अधिगम कौशल का भाग है। क्वेश्चन 28 एक अध्यापिका बच्चों को एक अनुच्छेद मौन रूप से पढ़ने के लिए कहती है, नए शब्दों पर ध्यान देने के लिए कहती है, उन शब्दों के अर्थों का अनुमान लगाने के लिए कहती है और फिर शब्दकोश से अर्थ ढूंढने के लिए कहती है, वह कौन सा पठन कौशल विकसित करना चाह रही है? ऑप्शन ए बारीकी से पठन। ऑप्शन बी सरसरी तौर पर पठन। ऑप्शन सी निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन डी अनुमान लगाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी निष्कर्ष निकालना। क्वेश्चन 29 कक्षा 8 के विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों का विश्लेषण करें और उचित कार्रवाई का चयन करें। बहुत से विद्यार्थी रोजमर्रा की गतिविधि पूर्व में किए गए कार्य और दृष्टिकोण में मनसा बताने के लिए क्रियाओं के सही रूप का प्रयोग नहीं कर पाते। ऑप्शन ए विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें नियम कटस्थ करवा देने चाहिए। ऑप्शन बी ये बहुत पुरानी गलतियां हैं, इन्हें सुधारा नहीं जा सकता।
ऑप्शन सी, ये संरचनात्मक गलतियां हैं, सही नियमों का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए, ये प्रयोग से संबंधित गलतियां हैं, समय के साथ अपने आप दूर हो जाएगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये संरचनात्मक गलतियां हैं, सही नियमों का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। क्वेश्चन 30, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के संबंध में भाषा अधिगम के आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, दिए गए मौखिक संकेतों के आधार पर समाचार पत्र रिपोर्ट लिखना। ऑप्शन बी, दिए गए ऊपर नीचे वाले संकेतों के आधार पर क्रॉसवर्ड पहली पूरी करना। ऑप्शन सी, आपके गांव में पानी की भीषण तम समस्या है, आपके माता पिता पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, इस स्थिति का विश्लेषण करें और समाधान हेतु पंचायत अध्यक्ष को पत्र लिखें। ऑप्शन डी, अपने गांव में पानी का संकट पर एक अनुच्छेद लिखें। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।